तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस ट्यूटोरियल में रिफ्लेक्शन की ईच एंड एवरी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग इस लिंक पर आपको वीडियोस मिलेंगी। उन वीडियोस में हम रिफ्लेक्शन के ईच एंड एवरी टॉपिक को प्रॉपर मैनर में करेंगे। अब लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के नेचर के बारे में। लाइट के नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में आगे फर्दर इनके सब पार्ट्स हैं। लाइक रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। अब रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर इज अ सिंपल टास्क, बट द मेन टास्क इज रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। देन हम आएंगे रिफ्रैक्शन के ऊपर। रिफ्रैक्शन में हमें पता लगेगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। लेंस की दो सब कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव लेंस एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। इन सब के साथ साथ हम मेन फोकस इन टॉपिक्स पर भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पता होने के बाद ही हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। और न्यूमेरिकल्स किस पे बेस्ड आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन पे एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्शन पे। और मेनली रिफ्लेक्शन पर भी किस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड। देन साइन कन्वेंशन के बाद हमें पता होना चाहिए मिरर फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है एंड मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन के बाद जो हमने देखा है लास्ट 10 इयर्स में, हमने देखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफी हद तक आए। तो अब हम इस ट्यूटोरियल में ईच एंड एवरी टॉपिक को प्रॉपर मैनर में करेंगे।